नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर सीएम आज लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि सीएम एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे, इसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को जिलों में पहुंचाया जाएगा। बता दें कि सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे, साथ ही तय लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यों की भी जानकारी दी जाएगी। बता दें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 6 साल आज पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर शहर में तमाम कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया जाएगा। बता दें कि सीएम योगी आज लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार द्वारा किए गए कामों की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे। संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं दूसरे कार्यकाल के, कैसे देखा जाए ये 6 साल को, क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड रहा? देखिए मेरी, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 6 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आज जो बड़ा दिन है वो दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल पहले 25 मार्च को जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई थी, तो इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का भव्य जो है शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। उसके बाद 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है दूसरे कार्यकाल का। बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे ज्यादा दिन तक सीएम रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। और आज की दिन की स्थिति की अगर हम बात की जाए तो 6 साल 6 दिन के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 34 साल बाद जो है वो ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी को बहुमत दिया है, किसी को जनाधार दिया है और दोबारा सरकार बनाने की अवसर उत्तर प्रदेश ने दिया है। वरना हमेशा ऐसा ही कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो सरकारें गिराता है। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में बहुमत चुन के नहीं आती है। 5 साल के कार्यकाल करने के बाद हर बार सत्ता परिवर्तन होता था, लेकिन इस बार जब 2017 से 2022 के कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुआ, तमाम परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर लामबंद किया था, समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 में अपने वोट प्रतिशत में अब तक के इतिहास में इजाफा भी किया था। जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके अधिक से अधिक वोट लेने में कामयाब भी हुए थे, लेकिन थोड़ा राशन और थोड़ा प्रशासन की जो नीति अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो कारगर हुई और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बनी और आज दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। तकरीबन 130 संकल्प पत्र अपने बजट में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने बजट पत्र में इसकी घोषणा की थी, अपने संकल्पों में इसकी बात कही थी और उस 130 में से 110 को अपने बजट में जगह भी दी है। इसके अलावा कई प्रकार के सुधार भी इस कार्यकाल में हुए हैं। गन्ना किसानों के लिए भी 2 करोड़ 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो कैदी हैं, जो जेलों की बात करें, जो बंदियों की बात करें, उनके जीवन में बेहतरी के जो है उपाय किए गए। कारागार मंत्री ने कई सारी चीज़ें देखी, जो जेल के अंदर कैदी थे काफ़ी सालों से, जो वहाँ पे कैद है, उनके जीवन स्तर में बदलाव करने के लिए, अच्छा करने कई प्रकार के काम किया, महिलाओं के लिए कई काम किया। और योगी आदित्यनाथ हर बार अपनी सरकार के जिक्र में कहते हैं कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस की नीति। योगी आदित्यनाथ आज लोकभवन में पीसी करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिससे वो अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल के बारे में चर्चा करेंगे, जो उपलब्धियां हैं वो सबके सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, उनके बारे में बताएंगे। इस साल योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये बड़ा दावा जरूर होगा कि एक भी दंगा जो है उनके इस दूसरे कार्यकाल के 1 साल में नहीं हुआ। और जितनी भी चीज़ें हैं विकास परियोजनाओं की, चाहे वो सुमंगल योजना हो, चाहे वो कन्याओं के लिए चीज़ें हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो, इस सरकार ने एक साल के कार्यकाल में विकास के नए कीर्तिमान रचने की कोशिश की है, यह कहना गलत नहीं होगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात की जाए तो कुल 34 लाख करोड़ से अधिक निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश को मिलने वाले हैं और तमाम विदेशी निवेशकों के अलावा जो घरेलू निवेशक है वो उत्तर प्रदेश में बड़े ही उत्साहित होकर निवेश भी करना चाहते थे। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान पूरी चीज़ों को कवर भी किया और हर एक इंडस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, नोएडा में एक भव्य फिल्म इंडस्ट्री बनती है, आज तक जो है फिल्म इंडस्ट्री मुंबई यानी माया नगरी में थी, वहाँ पे बेस थी, कहीं ना कहीं मुंबई के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था कलाकारों को, लेकिन अब वो एक और फिल्म इंडस्ट्री जो है वो नोएडा में आ रही है तो कलाकारों को भी अवसर होगा अपनी प्रतिभा दिखाने का। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कीर्तिमान रचे गए हैं, कई मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है, सरकारी अस्पतालों में कई योजनाएं लागू की गई हैं, गर्भवती महिलाओं से लेके टीकाकरण की योजनाएं जो हो, अब गर्भवती महिलाओं जो है वो निजी केंद्रों पर मुफ्त में टीकाकरण भी करा सकती है अगर सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, तमाम बड़े चीज़ों में उत्तर प्रदेश लगातार अग्रसर है और ये सब चीज़ें जो हैं वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि लगभग 11 महीने का समय लोकसभा चुनाव में बचा हुआ है और हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कुल 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है और यहाँ अब तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तो कुल 62 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, उसके बाद उपचुनाव में आजमगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी कुल सीटें आई थी। तो इस तरीके से इस आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जो है पहले की जितने जीती हुई सीटें हैं उससे ज़्यादा जीतने की बात कर रही है और जब हमने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत भी की थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 75 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। तो कुल मिला के ये जो कार्यकाल है अपनी उपलब्धियाँ ये सरकार गिनाएगी, सबके सामने अपने उपलब्धियों को रखेगी, अपने विकास कार्यों को रखेगी, तमाम योजनाओं को रखेगी और एक साल के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियाँ जनता के सामने रखेगी और लोगों को उपलब्धियों से जानकारी भी कराएगी। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं वो हर जिले में जाके रिपोर्ट कार्ड भी देंगे, तमाम तरह की चीज़ें ये सरकार दूसरे कार्यकाल को लेकर कर रही है। विवेक, योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा हो रहा है तो शहर में क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, सबसे पहले लोकसभा में माफ कीजिएगा लोक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल की जो विकास कार्य है उसको बताएंगे, जो संकल्प पत्र में उन्होंने वादे किए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, तमाम बड़ी बातें करेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद होंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी लोकभवन में चलने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो सबसे बड़ा कार्यक्रम तो जो लोकभवन में तकरीबन 11 बजे शुरू होगा, मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने एक साल यानी दूसरे साल के जो दूसरे कार्यकाल का जो एक साल पूरा हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, कितनी परियोजनाएं बनी है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ विकास कार्य हुआ है और जो जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है, केंद्र सरकार लगातार कर रही है, उस पर जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार खड़ी उतरी है। अभी कुछ दिनों पहले मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था जिसमें मुख्यमंत्रियों का सर्वे हुआ था, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री का सर्वे होता है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सर्वे में नंबर वन रहे थे। अगर बात की जाए जिस तरह से केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस और माफिया मुक्त राज की बात करते हैं तो इस सरकार ने यह दिखाया है कि चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या फिर कोई भी बड़ा माफिया हो, वो बक्से नहीं जाएंगे, उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियां ये दावा करती रहती थी कि किसी विशेष को टारगेट करके उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन इस सरकार ने दिखाया है कि माफियाओं को किस प्रकार से घुटने के बल लाकर खड़े कर देते हैं। अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी तक सबके घरों पर बुलडोजर चला है और कल बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के घर को भी सील कर दिया गया। इसके अलावा जो दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें 6 IPS और 8 PPS का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी हुआ है। तो एक साल के कार्यकाल को लेकर सारा ब्यौरा आज योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकभवन में पेश करेगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद से कांग्रेस में रोष है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष भी रखने वाले हैं। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। बता दें कि ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल से लेकर सीताराम येचुरी ने इसे गलत और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। बता दें कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के बाद से कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ जानकारी? विवांशु, आपको आवाज आ रही हमारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस के अंदर में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय है, कार्यकर्ता है, तमाम पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी और उसके सरनेम के साथ कहीं ना कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके बाद आपको बताएं कि 2 साल की सजा के बाद ऐसे प्रावधान है कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं। आपको बताएं कि अब ऐसे प्रावधान भी आ चुके हैं कि राहुल गांधी अब जो उनकी वायनाड से सांसद थे उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, वो सदन के हिस्सा नहीं है। इसके बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर आक्रोशित है। कल आपने देखा कि प्रदेश के मुख्यालय से लेकर और दिल्ली के केंद्र मुख्यालय कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिला। साफ तौर से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो तानाशाह है। साथ ही आज राहुल गांधी 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें तमाम मुद्दों पर अपना जवाब रखते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो राहुल गांधी संसद के सदन के फेज 2 के सदन के पहले ही दिन से कहीं ना कहीं देखे तो सदन के अंदर में भी उनकी आवाज उठ रही थी, उसके ठीक बाद अब ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस वक्त उनसे उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, उस वक्त वो उनकी सदस्यता रद्द हुई जिसके ठीक बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता उनका दावा है कि राहुल गांधी भी आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। जी विवासो, कांग्रेस कार्यकर्ता देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन करेंगे, तो ये प्रदर्शन किन शहरों में देखने को मिलेगा? जी निश्चित तौर पे एक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जहां भी है, जहां सत्ता में है, जहां शासन में है, जहां उसके कार्यालय है, वहां देखने को मिलेगा। और इस प्रदर्शन के माध्यम से इसे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कल से ही जब से ये फैसला आया है तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर जाकर और प्रदर्शन की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो इस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और उनका साफ ही तौर से कहना अगर देखा जाए तो कल राजधानी लखनऊ के प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर एक विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें आपको बताया कि राजभवन के ठीक सामने वाली सड़क पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिजलाल खाबरी की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी कल जीपीओ पर जाकर और गांधी जी की प्रतिमा पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर पुलिस उन्हें राजभवन के गेट से ही उन्हें गिरफ्त में लेकर डिटेन करके और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम जगहों पर जो प्रदर्शन हो रहा है उसको पूरी तरह से हटाने का भी काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां से राहुल गांधी का जो पुराना लोकसभा क्षेत्र है यानी कि अमेठी, वहां की जनता का क्या इस पर रुख रहता है। आपको पता है कि अमेठी के से हारने के बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी विधानसभा लोकसभा चुनाव में अमेठी और साथ ही साथ वायनाड से चुनाव लड़े थे। अमेठी से वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे बहुत क्लोज मार्जिन के साथ, मगर वायनाड से जीते थे, वहां की सदस्यता भी रद्द हुई है। बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री है जिनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि सदन में 2018 से 2019 के सत्र के दौरान
सदन में प्रधानमंत्री मोदी एक लोगों की एक नेता के हंसने पर, एक कांग्रेस पार्टी की नेत्री के हंसने पर टिप्पणी किए थे, इसको लेकर अब वो भी आक्रोशित नजर आ रही है। वो भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि हम भी आगे की कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो अमर्यादित भाषा की टिप्पणी की गई उस पर मैं शांत रही हूँ और अब इसका जवाब मैं कोर्ट के वास्ते दूंगी। आपको बताएं कि अब राहुल गांधी के पास हायर कोर्ट जाने का एक अब रास्ता बचा है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर अपना जो वहां मौजूदगी है वहां रखेंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या वहां से वो अपने मामले पर प्रकाश चाहते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मयूरी 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रुख साफ होगा। जी धन्यवाद मैं तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के साथ प्रदेश के कई पदाधिकारी औरैया पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष सहित जनपद के तमाम पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 साल पूरे हुए हैं, इसी को लेकर स्वाभिमान यात्रा औरैया पहुंची है। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने बताया कि व्यापारी स्वाभिमान यात्रा का प्रदेश के सभी 75 जिलों में भ्रमण करने के बाद लखनऊ में समापन होगा। 50 वर्ष पूर्ण होने पे ये हमारी व्यापारी स्वाभिमान यात्रा 13 मार्च को सहारनपुर से शुरू हुई थी, जिसका आज 12वां दिन है और ये 15 जिलों में हो आई है, जिसका समापन 8 मई को सदस्य श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती पे लखनऊ में होना है और पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सभी तहसील को छूते हुए ये यात्रा लखनऊ में समाप्त होगी। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।